हॉरर इस फील्ड में एक और ऐसा झूठ है जो लोगों के अंदर आज भी पनप रहा है। आज भी पूरी दुनिया में अरबों की संख्या में कुछ लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास करते हैं, लेकिन इस बढ़ते समाज के साथ साथ हमें अपने सोचने के तरीके में भी बदलाव करना चाहिए। विजी बोर्ड या ओइजा बोर्ड, इसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिससे कोई भी इंसान आत्माओं से बात कर सकता है, उन्हें इनवाइट कर सकता है। ओइजा बोर्ड जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर लोगों का दावा होता है कि वो इस बोर्ड की सहायता से एक ऐसा पोर्टल क्रिएट कर देते हैं जिससे आत्मा इस दुनिया में आ जाती है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। चाहे वो कोई बाहरी इंसान हो या फिर कोई घर का ही हो, वो जिससे मन करे उस आत्मा से बात कर सकते हैं इस बोर्ड की मदद से। तो आज हम इसी की पेटी में आग लगाने वाले हैं। आपको इसके इतिहास में तो जानने का कोई इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए, वैसे भी कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब केवल इस बोर्ड से होना चाहिए। ये एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिससे आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इस बोर्ड पर ए से जेड तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं और एक से जीरो तक की गिनती, और ऐसा नौ का सिंबल होता है। होता कुछ ये कि जब इंसान इसको प्ले करता है तो इसके साथ भी एक पॉइंटर होता है जिस पर लोग हाथ रखते हैं और बुलाते हैं कि क्या आत्मा आप यहाँ पर हैं या फिर वहाँ पर हैं, जो भी हो। और उस कंडीशन में अगर जो कोई आत्मा होती है तो वो बोर्ड पर आती है, दिखती नहीं है, बस आती है, और आपका हाथ उस पॉइंटर पर रखा होता है। अगर जो आप कहते हैं कि आत्मा आप हो यहाँ पर, अगर जो वो आत्मा बोलती है यस तो आपका पॉइंटर जाएगा यस पर, अगर जो बोलती है नो फिर वो नो पर जाएगा। तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बना। लेकिन ये गेम कुछ इसी तरीके से खेला जाता है। इस गेम को आप अकेले में खेल सकते हैं या फिर किसी के साथ भी खेल सकते हैं, डिपेंड करता है आप सिंगल हैं या मिंगल। लोगों का दावा होता है कि जब उनके कहने पर कोई भी आत्मा आती है तो बोर्ड पर रखा पॉइंटर जिस पर उनका हाथ पहले से है वो अपने आप ही हिलने लगता है। और कमाल की बात तो ये है कि उनका हाथ अपने आप हिलता रहा है, मतलब वो खुद से नहीं हिलाते, ये सच है। और ये साइंस भी कहता है कि वो अपने आप हिलता है, लेकिन ये कमाल किसी आत्मा का नहीं है, बस एक साइंस कॉन्सेप्ट है जो बस होता है। और काफ़ी लोगों को लगता है कि आत्मा आ चुकी है। कमाल की बात यह है कि लोग उस हद तक सोच ही नहीं पाते जिस हद तक सोचना चाहिए। एक्चुअली में आपको लॉजिकल होना चाहिए कि चीज़ें ऐसी नहीं काम करती जैसा आप देख रहे हैं, वो किसी और तरीके से भी काम कर सकती है। और हम इसे इडियो मोटर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें बॉडी कॉन्शियस के टाइम भी अनकॉन्शियस मोमेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक पेंडुलम लीजिए, और उस पेंडुलम को आप जिधर सोचेंगे करेंगे नहीं, जिधर सोचेंगे, केवल सोचना है, आप जिधर सोचेंगे वो उधर ही मूव करने लगेगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जिधर आप सोचें उधर ही अपने आप मूव करने लगेगा बिना आपके हैंड मूवमेंट के। जरा आप इस वीडियो को देखिए। स्पिरिट्स, कैन यू स्पीक टू अस, आर यू देयर? इसमें जब सभी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है तो सबका पॉइंटर जो होता है वो रैंडम पैटर्न शो करने लगता है, यानी जहां पर एस है और नो है उसके बीच का हिस्सा बता देगा। अब वहाँ पर कुछ होगा भी नहीं, ऐसे ऐसे मतलब हरकतें करने लगता है, क्योंकि लोगों को दिख नहीं रहा है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आत्मा अंधी हो गई है, नहीं नहीं, असल बात ये है कि आत्मा वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये सब लोगों का बस एक बनाया हुआ खेल है। यानी कहने का मतलब ये है कि पॉइंटर परफेक्टली मूव नहीं करता है, इसका मतलब आत्मा अंधी हो गई। जी हाँ, तो भाई लोग ये रही ओइजा बोर्ड की असल कहानी की होता क्या है और लोग सोचते क्या हैं। तो होने सोचने में काफ़ी फ़र्क है जैसा कि आप देख ही चुके हैं। और मैं अपने ऑडियंस को कुछ कहना चाहता हूँ, हमें हमेशा लॉजिकली सोचना चाहिए, कुछ भी क्यों हो रहा है इस पर हमें तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे एक ऐसे ऑडियंस चाहिए जो लॉजिक के बेस पर, फैक्ट के बेस पर चीज़ों को एनालिसिस करे और उस पर बिलीव करे। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि मेडिटेशन करने से आपको लेविटेशन की पावर मिल जाएगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से मानते हैं। क्या मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप तुरंत विश्वास कर लेंगे या फिर अपनी लॉजिक का कुछ इस्तेमाल करेंगे कि यार इसके कहने से मैं मान लूँ क्या कि मेडिटेशन करने से कोई भी इंसान उड़ लेता है? ऐसा थोड़ी ना होता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप अपना ओपिनियन इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसी टाइप की वीडियो के साथ। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn, ain't that great.